इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट्स के अननोन पास्ट के बारे में। निक्की तंबोली करेंटली 24 इयर्स की हैं और औरंगाबाद महाराष्ट्र के क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। ग्रेजुएशन के बाद 21 साल की उम्र से ही उन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत की। कई कमर्शियल्स में काम करने के बाद निक्की की किस्मत तब पलटी जब उन्हें तेलुगु फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म 2019 की बेस्ट फिल्म्स में से एक थी। इसके बाद निक्की ने तमिल मूवी कंचना 3 में भी काम किया। डायरेक्टर लॉरेंस मास्टर को ऑडिशन के दौरान निक्की का डांस इतना पसंद आया कि उन्हें तुरंत फाइनलाइज कर लिया गया था। फिल्म के दौरान वो अपने साथ बैंडेजेस रखती थी क्योंकि उन्हें हील्स में डांस करवाया जाता था। इसके बाद वो तेलुगु मूवी थिपारा मीसम में भी नजर आ चुकी हैं। वो पर फिल्म 1 से 2 करोड़ चार्ज करती हैं। ऐसे र्यूमर्स हैं कि वो मुंबई बेस्ड डीजे रोहित गीडा को डेट कर रही हैं। बॉलीवुड में वो मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमासी चक्रवर्ती के ऑपोजिट नजर आने वाली हैं। निशांत करेंटली 33 इयर्स के हैं। उनका जन्म दुबई में हुआ है पर उन्होंने अपनी लाइफ दिल्ली में बिताई है। उन्हें एक फोटोग्राफर ने कोलकाता में स्पॉट किया और ऑडिशंस के लिए बुलाया था। उन्हें इजीली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री मिल गई। इसके बाद उन्होंने 7 से 8 साल तक स्ट्रगल किया। उन्होंने अपना डेब्यू 2009 में सीरियल मिले जब हम तुमसे किया। इसके बाद 2010 में वो राम मिलाई जोड़ी में नजर आए पर 2011 में उन्होंने क्विट कर दिया क्योंकि वो फिल्म्स में काम करना चाहते थे। उन्होंने फिल्म डेब्यू हॉरर स्टोरी से किया। इसके बाद वो बेजुबान इश्क, क्यूट कमीना, इश्क ने क्रेजी किया रे और लव ट्रेनिंग जैसे फिल्मों में दिखे। अनसक्सेसफुल फिल्मी करियर के बाद उन्होंने 2017 में टेलीविजन पर फिर से कमबैक किया। वो रागिनी MMS रिटर्न्स में राज का रोल प्ले करते नजर आए। 2018 से वो जी टीवी के शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं अक्षत जिंदल का रोल निभा रहे हैं। बीच में उन्होंने एक्टिंग से 2 साल का ब्रेक भी लिया था और अपनी एक्टिंग स्किल्स को सुधारने के लिए एक्टिंग में एक डिप्लोमा कोर्स भी किया था। उनके अपने को एक्ट्रेसेस सारा खान और कनिका मान के साथ रिलेशनशिप में होने के भी र्यूमर्स थे। रूबीना करेंटली 33 ईयर्स की और शिमला से बिलोंग करती है। उनके डैड एक राइटर हैं और कई बुक्स भी लिख चुके हैं। उनकी 2 बहनें भी हैं। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू कंप्लीट की है। वो अपने स्कूल डेज में नेशनल लेवल डिबेट चैंपियन भी रह चुकी हैं। उन्होंने 2006 में मिस शिमला का खिताब जीता था। मैं 2008 में मिस नॉर्थ इंडिया का टाइटल अपने नाम किया था। वो एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी और इसकी प्रिपरेशन भी वो कर रही थी। रूबीना की यंगर सिस्टर रोहिणी छोटी बहू के ऑडिशंस देने गई थी और रूबीना भी उनके साथ चली गई थी। बस खुद को टेस्ट करने के लिए उन्होंने भी ऑडिशन दे दिया और वो सेलेक्ट हो गई थी। छोटी बहू के बाद उन्होंने सास बिना ससुराल, पुनर्विवाह, देवों के देव महादेव जैसे कई और शोज में भी काम किया। 2016 से 2020 तक उन्होंने शक्ति सीरियल में एक ट्रांसजेंडर का रोल निभाया जिससे उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी और कई अवार्ड्स भी मिले। वो प्रोफेशन से एक इंटीरियर डिजाइनर भी हैं। वो छोटी बहू के लीड एक्टर अविनाश सचदेव को भी डेट कर रही थी पर 2013 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। ऐसे र्यूमर्स थे कि अविनाश ने रूबीना को चीट किया था। 2015 में अभिनव और रूबीना गणपति पूजन पर एक दूसरे से मिले थे और 2018 में दोनों ने शादी कर ली। सारा गुरपाल का रियल नेम रचना देवी है। सारा उनका निक नेम है। वो करेंटली 29 ईयर्स ओल्ड हैं और हरियाणा के एक विलेज में उनका जन्म हुआ था। चंडीगढ़ में उन्होंने अपनी लाइफ बिताई। सारा क्लास 12 में AI-AAA के लिए अपियर हुई थी और उन्हें अच्छी रैंक भी हासिल हुई थी। वो आर्किटेक्चर परस्यू करना चाहती थी पर उन्हें उनके प्रेफरेंस के कॉलेज में सीट नहीं मिली, इसलिए उन्होंने निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग में BSc का कोर्स कर लिया। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया। एक थिएटर प्ले में उन्हें फैशन फोटोग्राफर ने स्पॉट किया और उन्हें फैशन फोटोशूट का ऑफर दिया। यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। 2012 में उन्होंने मिस चंडीगढ़ का टाइटल भी जीता था। सारा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2017 में गिप्पी ग्रेवाल के ऑपोजिट मंजे बिस्तरे में की। इसके बाद वो डंगर डॉक्टर जली में भी नजर आई। सारा गुरपाल ने कई गाने भी गाए हैं। वो पंजाबी TV शो हीर रांझा में हीर का भी रोल निभा चुकी हैं। वो स्लो मोशन, तू चाहिदा जैसे कई सॉन्ग्स का भी हिस्सा रह चुकी हैं। बिग बॉस में उन्होंने खुद को सिंगल बताया है पर पंजाबी सिंगर तुषार के साथ उनके मैरिज की खबरें आने लगी। तुषार ने बताया कि 2014 में उन दोनों ने शादी की
और इसके बाद सारा गुरपाल काम के लिए इंडिया वापस चली गई और फिर कभी अमेरिका वापस नहीं आई। उन दोनों ने लीगली डिवोर्स नहीं लिया है, बस वो सेपरेट हो गए हैं। करंटली जान कुमार शानू की उम्र 26 साल है और उनका असली नाम जयेश भट्टाचार्य है। उनकी माँ रीता भट्टाचार्य का डिवोर्स 1994 में ही हो गया था, जिसके बाद कुमार शानू ने सलोनी शानू से शादी कर ली। जान कुमार शानू अपनी माँ रीता के साथ ही रहते हैं। जान कुमार के दो भाई हैं जेसी और जीको भट्टाचार्य। जेसी एक टीचर है, वहीं जीको एक ग्राफिक डिजाइनर है। उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने अपनी दादी से सिंगिंग की ट्रेनिंग ली है। 6 साल की उम्र में एस्केप फ्रॉम तालिबान के लिए उन्होंने पहली रिकॉर्डिंग की थी। 8 साल की उम्र में उनकी एल्बम तोमरा सुनबे तो रिलीज हुई। उन्हें पॉपुलैरिटी दिल मेरा चुराया क्यों गाने के रिक्रिएशन से मिली, जिसमें रोहित खंडेलवाल भी नजर आए थे। उन्होंने अपनी दादी को तू संदली नाम से एक गाना भी डेडिकेट किया है। उन्होंने अपने करियर में अपने डैड की कोई हेल्प नहीं ली है, ऐसा उन्होंने कई इंटरव्यूज में बताया है। पर कई ओकेजन्स पे वो अपने डैड के साथ स्टेज पे परफॉर्मेंस देते नजर आ चुके हैं। उनकी दो स्टेप सिस्टर्स भी हैं, जिनका नाम शैनन के और एना है। रीता भट्टाचार्य से कुमार शानू का डिवोर्स इसलिए हुआ था क्योंकि वो उस समय एक्ट्रेस मीनाक्षी को डेट कर रहे थे। उस समय उनकी और भी कई गर्लफ्रेंड्स थी। होटल मैनेजमेंट के दौरान उनके होटल में फोटोशूट के लिए एक टीम आई थी और उन्होंने जैस्मिन को फोटोशूट के लिए पूछा था और जैस्मिन मान गई थी। इसी एक फोटोशूट ने जैस्मिन की जिंदगी बदल दी।